सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेल, इस क्वेश्चन में आप सोचो सोचो इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ दिख रहा है क्या? देखो क्या दिख रहा है, ये 3 बार है ना, सो ये क्यूब हो गया और ये आपका बी क्यूब हो गया, ये ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर। अब इसको इसको एडजस्ट करके ए और बी के फॉर्म में लिखना है, ए एंड बी के फॉर्म में लिखना होता है। तो दिख तो रहा है ए बी तो है, और क्या है, क्या एडजस्ट करना है, इसमें कुछ एडजस्ट करने की बात ही नहीं। आपको अगर डायरेक्टली दिखा, देखो इस एक टर्म को 0.51 को मैं अगर ए मान लूँ और इसको अगर मैं बी मान लूँ, तो आपकी ये जो ऊपर वाली टर्म हो रही है ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो ए क्यूब हो गई। लेट इस पूरे की वैल्यू अगर हमने वाई पकड़ ली, तो ये वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए क्यूब, और ये पूरी टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गई बी क्यूब। इन दोनों के बीच है ये प्लस। अब ये जो है ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये तो हो गया माइनस ए बी, और ये तो कोई मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो गया बी स्क्वायर। तो आपके पास अभी आ जाता है ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए स्क्वायर, सॉरी पहले ए प्लस बी, उसके बाद आएगा आपका ए स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा अब माइनस आएगा, क्योंकि एक बार प्लस आ गया तो इधर माइनस है, फॉर्मूला है अभी डायरेक्ट क्या है इसमें, प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आता है आपका जो भी है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा ए प्लस बी। सो ए है आपका 0.051 और बी है आपका 0.041। इन दोनों का एडिशन कर दो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के, 290.0 ये आएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल। ओके वेल, 42nd क्वेश्चन। इसमें ऑब्जर्व करो, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है। मैंने अगर इसको ए पकड़ लिया और इस चीज को बी पकड़ लिया, राइट अब तो आपको ये तो दिख रहा होगा कि लेट इसकी वैल्यू वाई है, तो आपके पास वाई इज इक्वल टू क्या आता है, ये है ए और यह है बी, सो आपके पास है ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर यह है आपका प्लस, फिर यहाँ पर आपके पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए और ये बी, नीचे ये तो ए स्क्वायर दिख रहा है और ये तो आपको दिख रहा है बी स्क्वायर, काम तमाम। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है 2a² प्लस बी स्क्वायर। कैसे आती है देखो फटाफट, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर उसके बाद ये प्लस, ये क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका ये 2ab और 2ab कैंसिल हो जाता है, और ये 2a², ये और ये आपका 2b², तो 2 कॉमन निकलेगा और आपका आएगा a² प्लस b². तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं लिख दूँ तो ये आपका 2a² प्लस बी स्क्वायर और नीचे है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ये कैंसल हो जाएगा और आपकी वैल्यू आएगी 2, सो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे वाला भी कुछ ट्रिक्स पर बेस्ड है, क्या है देख के पता चल रहा है इस नंबर का, ये 10 टाइम्स छोटा नंबर है, या फिर इस नंबर से ये 10 टाइम्स बड़ा है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 0.06 को 0.006 × 10, बात समझ में आ रही? वैसे ही मैं 0.47 को, ऊपर वाले को लिख सकता हूँ 0.047 × 10, एंड इसको भी मैं वैसे लिख सकता हूँ। सो वाई इज इक्वल टू, लेट आपका ये वाई है तो आपकी वैल्यू हो जाती है वाई इज इक्वल टू, मैं ऊपर वाले सभी नंबर्स को मैं क्या लिखूंगा 10 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। मैं इसको अगर ए पकड़ता हूँ तो ये मेरा आ जाता है ए इंटू 10, फिर इसको मैं अगर बी पकड़ता हूँ इस बीच वाले नंबर को तो ये मेरा बी इंटू 10 हूँ। देखिए वाई इज इक्वल टू, ऊपर मेरा 0.06 है, मतलब इसको मैं 10A लिख सकता हूँ, सो 10A उसका स्क्वायर है ऑफ कोर्स, 10B उसका भी स्क्वायर, 10C का स्क्वायर, और नीचे तो बस A है उसका स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब यहाँ पे एक गलती हो सकती है, वो नहीं करनी है, वो ये कि आपको ऐसा लग सकता है कि इसको मैं ऐसे कर दूँ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, या ऐसा नहीं होता, एडिशन में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं कर सकता। ओके, बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो भूल जाती है, सो आपको ये नहीं करना है। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, वो ये कि मैं इसे, इस 10 को कॉमन निकाल सकता हूँ, लेकिन 10 नहीं है वो, 10 का स्क्वायर है, सो मुझे 10 स्क्वायर को कॉमन निकालना होगा, और मुझे अंदर आएगा मेरा ये उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बेटे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आया 10 स्क्वायर, मतलब 100, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 44th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अभी देखिए इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है, बस ऑब्जर्व कीजिए, कुछ तो ट्रेंड दिखता है, ये तो क्यूब है तो मुझे फटाक से पता चलता है कि ये भी किसी का तो क्यूब होना ही चाहिए, तो सिंपल है, ये 0.3 का क्यूब है। ओके, सो मैं इसको अगर ये पकड़ता हूँ और इसको मैं अगर 0.3 का क्यूब ले लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बनता है इस वाई का। देखिए ए क्यूब माइनस, मैं इसको लिख देता हूँ 0.3 क्यूब, और इस 0.3 को मैं बी पकड़ूंगा, सो ये मेरा हो जाता है बी क्यूब इन डिवीजन, ये तो ये स्क्वायर है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2.3 × 0.3, मतलब ये इंटू बी, सो प्लस ए इंटू बी, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर, कोई तो फॉर्मूला एडजस्ट होता है बस। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फटाफट आना चाहिए, चलो ए माइनस बी, और साथ में रिमाइंड करना है मेरे साथ, आपको भी आना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर आता है तो आपको फास्ट मैथमेटिक्स आएगा, सो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। सो आपका आंसर है ए माइनस बी। ए किसे पकड़ा था हमने? इस 2.3 को, और बी हमने इसको नहीं पकड़ा था, 0.3 को। सो हमारा आंसर आ जाता है 2। वेयर इज द 2? दिस इज करेक्ट आंसर। ओके राइट। देखो इस तरीके से ये डेसिमल फ्रैक्शन के चैप्टर पर मैंने काफी सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। प्रैक्टिस जितनी करोगे आप उतना मैथ्स आपका क्लियर होता जाएगा, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है एक बार करने पर भूलता नहीं, बस शुरू में परेशानी होती है।